महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। आगरा के पास की करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव एग्जिट पोल में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं। तो बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के हिस्से जा रही है, यानी बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाएंगी। इनमें कटहरी को भी माना जा रहा है, इसके अलावा गाजियाबाद सीट मानी जा रही है। इसी तरह से तमाम 6 सीटें हैं जिस पर बीजेपी का परचम लहरा सकता है। बात करें अगर सपा की, तो करहल में अखिलेश का जादू चल गया है। ये पारंपरिक सीट है और पिछले अगर 20-25 साल की बात करें तो बीजेपी सिर्फ एक बार करहल में जीती है। इस बार बीजेपी ने अनुजेश यादव को प्रत्याशी बनाया है, जो कि रिश्ते में अखिलेश यादव के बानोई लगते हैं, लेकिन अखिलेश के भतीजे भी यहाँ चुनाव मैदान में है सपा के टिकट से, तो उनकी जीत बता रहा है एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो 6 सीटें यानी बीजेपी लीड लेती हुई दिख रही है इस उपचुनाव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी का जादू चल गया है। जिस तरह से पीएम मोदी ने लगातार सभाएं की, उसका साफ असर नजर आता है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का परचम एक बार फिर लहराता नजर आ रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में जिस तरह से बीजेपी ने मशक्कत की थी, लगातार चुनाव प्रचार में तेजी लाई थी, तो उसका भी असर नजर आता है। और झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जा सकती है और यहाँ बीजेपी की सरकार आ सकती है। ये जो गठबंधन चुनाव लड़ा है एनडीए का, ये भारी पड़ता नजर आता है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में। और इस बार झारखंड की बात करें तो वहाँ अर्जुन मुंडा सरीके नेता है बाबूलाल मरांडी भी बीजेपी में ही सक्रिय है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को काफी बल मिला है। राज ठाकरे ने जिस तरह से अंदरूनी तौर पर उनका समर्थन किया था, बातों से अपनी कई बार वो कहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनेंगे, तो एकनाथ शिंदे इस बार उनका पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि फडणवीस की पार्टी यानी बीजेपी वहां प्रभावशाली नजर आती है। तो अब ये जो चुनाव है ये दिशा तय करेंगे रुझानों की, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो एग्जिट पोल में बीजेपी ही जीतती हुई नजर आ रही है। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।